चलते घर को देख निराले, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, अगला मुकद्दर आपका है कि अगर अब भी नहीं संभले तो राष्ट्र लुट जाएगा। आसार नजर आता है अब हुकूमत में बैठे हुए तड़ीपार और गद्दार नजर आते हैं। राष्ट्र के खातिर यही बहुजन मूल निवासी लुटा दी जान अपनी, आज कुर्सी पे बैठे हुए गद्दारों को यही गद्दार नजर आते हैं। मिटा दो जुल्म की हस्ती, यही बहुजन भारत मूल निवासियों का पैगाम है। अरे हम सब समाजवादी बहुजन मूल निवासी हैं और संघर्ष करना हमारा काम है। अपने उन तमाम महापुरुषों की चिंगारी पूरे भारतवर्ष में लगी हुई है, अब किसी पार्टी के पास इसको बुझाने के लिए कोई दमकल नहीं है, कोई उनके पास व्यवस्था नहीं, उनके पास कोई शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा नहीं देने चाहते, इसलिए लगातार यह मिशन पूरे भारतवर्ष में मीडिया के द्वारा जा रहा है और WTP पैगाम के द्वारा देखा जाए तो ये बहुत बड़ा काम हो रहा है। तो मेरा कहना है कि अगर अब भी नहीं संभले तो राष्ट्र लुट जाएगा। आसार नजर आता है अब हुकूमत में बैठे हुए तड़ीपार और गद्दार नजर आते हैं। राष्ट्र के खातिर यही बहुजन मूल निवासी लुटा दी जान अपनी, आज कुर्सी पे बैठे हुए गद्दारों को यही गद्दार नजर आते हैं, यही गद्दार नजर आते हैं। तो मेरे बहुजन के लोगों, मिटा दो जुल्म की हस्ती, मिटा दो जुल्म की हस्ती, यही बहुजन भारत मूल निवासियों का पैगाम है। अरे हम सब समाजवादी बहुजन मूल निवासी हैं और संघर्ष करना हमारा काम है। आप लोग सोचो उस समय बाबा साहब कैसे लड़े होंगे जब मनोबाद सामंतवाद चरम सीमा पर था। आज तो आप हजारों लाखों की संख्या में हो और निकलना पड़ेगा सबको जेल भरो आंदोलन। अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा का राष्ट्रीय महासचिव हूँ, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष विजेंद्र यादव आए हैं जो पूरे भारत वर्ष में लगभग गए हैं और उनके साथ 20 बार हम भी जेल गए हुए हैं और लगातार संघर्ष चल रहा है और संघर्ष बंद होना नहीं। अगर 2024 में चूक गए तो यह देश गुलामी की तरफ जा रहा है। मेरे भाइयों, जो अभी हमारे नेता बैठे हुए हैं सो रहे हैं और देख रहे हैं कि एक दूसरा फंस रहा है, एक दूसरा जेल जा रहा है, एक दूसरे के लिए CBI के छापे पड़ रहे हैं, तो बचना किसी को नहीं, एक एक करके एक दिन सभी मारे जाओगे। जलते घर को देख निराले, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, अगला मुकद्दर आपका है। आपके कत्ल पे मैं भी चुप था, अब मेरा नंबर आया है, अगले नंबर पे आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। एक एक करके सभी मारे जाओगे। अगर 2024 चला गया तो फिर ये मंच भी आपको शायद नहीं मिलेगा, ये संविधान के अधिकार के द्वारा जो मिला है शायद ये मंच भी आपका जाने वाला है। इसलिए हाथ जोड़ने से, ए मेरे बहुजन के मूल निवासियों समाजवादियों, हाथ जोड़ने से मिलता ना अधिकार कभी। उठाओ पूरे कन्याकुमारी से कश्मीर तक संगठित हो जाओ, सपना हो जाएगा साकार। अभी नहीं जानते क्या तुम मूल निवासियों, जैसी है सरकार अभी झूठी देती आश्वासन और करती अत्याचार सभी। अरे देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम और देश प्रेम तो यही मूल निवासियों की खाती है, इसलिए संगठित होकर के शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा की लड़ाई लड़ो और EPM हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। इस समय अब ज्यादा से ज्यादा अब हमें रोड पे निकलने का समय आ गया है। सब लोग बाहर निकलो, रोड क्रांति लाओ और एकजुट होकर के, क्योंकि हमेशा क्रांति से लड़ने से ही कुछ मिला है, बिना हवा के तो पत्ते नहीं हिलते मेरे भाई, बिना लड़े कहाँ हिस्सा मिलता है। इसलिए जाग जाओ और नहीं जगे तो सब कुछ खो दोगे। बोलने से अब काम नहीं चलेगा, अब बड़ी बड़ी बातें नहीं, हमेशा छोटी छोटी कोशिशें करना होगा, एक दूसरे को लेकर के सड़क से सांसद तक लड़ना होगा, क्योंकि जो हमारे अपने संविधान और अधिकार से चुन के गए हैं वो बंद हो गए हैं,
जो अपने आप को कहते थे शेर आया वो सब सर्कस के शेर बन गए हैं, ईडी सीबीआई के छापे के डर से पड़े हुए हैं। इसलिए उनको भी जगाना होगा कि अगर अब तुम नहीं बदले ना तो तुम्हारा भी झंडा डंडा धरा रखा रह जाएगा। और यह बहुजन मूल निवासी समाजवादी नया नेतृत्व पैदा करके युवाओं को ले आएगा और पढ़ा लिखा आएगा। मेरे भाइयों, दूसरे देशों में युवा सरकार चलाते हैं, बुलंदियों पे ले जाते हैं, हमारे यहाँ 65 साल के बाद जो इंस्पायर होते हैं उनको गद्दी पे बैठा दिया जाता है, वो उल्टा सीधा काम करते हैं, केवल और केवल धार्मिक प्रचार करते हैं, कभी वो संविधान की बात नहीं करते हैं। इसलिए आप सभी को संगठित होकर के, एकजुट होकर के एक महामिशन के साथ निकलना होगा, राष्ट्रव्यापी आंदोलन करना होगा और समय आए तो जेल भरो आंदोलन, मैं परिवार के साथ बीवी बच्चों के साथ जेल भरो आंदोलन करना होगा। तभी तुम्हारा देश बचेगा, तभी तुम्हारा संविधान बचेगा, तभी तुम लोग सुरक्षित हो पाओगे।